तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो सिम में कॉपी कर सकते हो। अगर आप अपना फ़ोन फॉरवर्ड मारते हो या फिर रिसेट मारते हो तो जो आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स हैं वो चले जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको सिम में कॉपी कर लो तो वो नहीं जाते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कैसे आप अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स को सिम में कॉपी कर सकते हो या फिर सिम के कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन में भी कॉपी कर सकते हो। तो वीडियो पूरी देखना एंड काम की है, तो देखते हैं। तो मेरे पास भाई MI का फ़ोन है। अगर आप MI के फ़ोन में करना चाहते हो या फिर आप जिस भी फ़ोन में करना चाहते हो, सारे फ़ोन में लगभग सेम ही स्टेप होती है। तो सबसे पहले आप अपने डायलर पे चले जाएं। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट की सेटिंग है, हम इस पे जाएंगे एंड यहाँ पे लिखा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जाने के बाद अगर आपको फ़ोन के कॉन्टैक्ट जो है वो सिम में कॉपी करने हैं तो यहाँ पे आपको लिख रहा होगा एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड 1। तो सभी फ़ोनों में एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड लिखा हो। अगर आपके फ़ोन में दो सिम कार्ड पड़ो तो आपको किस में भी करना वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमें सिम कार्ड 1 में करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो मेरे जो कॉन्टैक्ट हैं वो हो जाएंगे कॉपी जो है वो। आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो, यहाँ पे ये ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जितने भी कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने या फिर सारे सेलेक्ट करने हैं तो सेलेक्ट ऑल कर लेना एंड यहाँ फिर ओके दबा देना, तो आपका हो जाएगा। तो मेरे जो कॉन्टैक्ट वो सिम में पहले से ही है तो मेरे को करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अगर अब आपको यहाँ पे अगर आपको जो है अगर फोन कॉपी सिम के कॉन्टैक्ट जो है वो फोन में कॉपी करने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट स्टोरेज करना पड़ेगा एंड यहाँ पे ओके कर देना होगा। एंड यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक्सपोर्टेड है वो हो जाएगा शॉर्टली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपोर्ट है वो फिनिश हो चुका, मतलब जो आपके सिम के कॉन्टैक्ट्स हैं वो फोन में जा चुके हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।